एक कहानी सुनिएगा सर, तीन सिस्टर्स की कहानी, लारा, तारा और जारा। जब वो 20 साल की हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर साल अपने बर्थडे पर 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगी और 65 की एज पर सारे पैसे निकाल कर वर्ल्ड टूर पर जाएंगी। अब फर्स्ट सिस्टर लारा ने लाइक अ गुड गर्ल इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। उसने 10 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट किया, फिर बंद कर दिया। सेकेंड सिस्टर थोड़ी कैजुअल थी तो उसने 30 साल की एज तक फुल एंजॉय किया और फिर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, बट 10 साल के बाद बंद कर दिया। थर्ड सिस्टर जारा, वो भी अपने सेकेंड सिस्टर की तरह 30 तक फुल एंजॉय किया और उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन उसने बंद नहीं किया, पूरे 65 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा। अब बताइएगा किसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया होगा, लारा, तारा या फिर जारा? आपको लगता होगा जारा, क्योंकि उसने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन यहाँ आप गलत हो गए। सही जवाब है लारा। कैसे? यहाँ पर एक हिडन फंडा है, कंपाउंडिंग। लारा और तारा ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, बट लारा का रिटर्न 3 गुना ज्यादा था क्योंकि उसने ज्यादा टाइम दिया। यहाँ तक कि जारा ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके भी लारा को बीट नहीं किया। तो क्या समझे आप, कमेंट करके बताइएगा।